सीजीआई चंद्रचूड़ ने विदेश में बनाया रिकॉर्ड, पड़ोसी देश में जाकर रच दिया इतिहास, पड़ोसी देश भी हुआ गदगद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी उनका बयान सुर्खियों की वजह बनता है तो कभी कोर्टरूम में उनके द्वारा दिए गए फैसले, सीजीआई का सख्त तेवर व निडर छवि भी उन्हें खबरों में बनाए रखता है। सीजीआई बिना किसी डर और भय के सामने कितनी बड़ी शक्ति हो फैसला लेने में नहीं चकते। यही वजह है सीजीआई चंद्रचूड़ अब तक के सबसे लोकप्रिय चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस को देश के तमाम लोग प्रेरणा के रूप में देखने लगे हैं। किसी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह या किसी संस्थान का स्थापना दिवस या कोई शैक्षणिक सम्मेलन, सीजीआई को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। सीजीआई विदेश के दौरे पर भी जाते रहते हैं, उनका विदेश दौरा भी चर्चा में रहता है। सीजीआई ने अब एक बार फिर सीजीआई की विदेशी सरजमीं पर यात्रा चर्चा में है। सीजीआई ने पड़ोसी देश में आधिकारिक यात्रा का रिकॉर्ड बना दिया। सीजीआई की यात्रा से पड़ोसी मुल्क गदगद है। आखिर क्या है मामला, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सीजीआई ने क्या बनाया नया रिकॉर्ड। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नेपाल पहुंचे हैं। यह भारत के किसी मौजूदा प्रधान न्यायाधीश की पहली नेपाल यात्रा है। इस दौरान वो अपनी नेपाली समकक्ष से मुलाकात करेंगे और बाल अधिकार पर एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। नेपाल के प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ के निमंत्रण पर जस्टिस चंद्रचूड़ नेपाल पहुंचे हैं। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर शुक्रवार को नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई ने उनका स्वागत किया। नेपाल के उच्चतम न्यायालय के प्रवक्ता वेद प्रसाद उप्रेती के अनुसार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के किसी मौजूदा प्रधान न्यायाधीश ने नेपाल की आधिकारिक यात्रा की है। आज सीजीआई लौटेंगे स्वदेश। जस्टिस चंद्रचूड़ शनिवार को काठमांडू में केंद्रीय बाल न्याय समिति द्वारा बाल अधिकारों पर आयोजित होने वाले संगोष्ठी में मुखवक्ता होंगे। उप्रेती के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ उसी शाम नेपाल के प्रधान न्यायाधीश के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उन्होंने बताया, नेपाल के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्रेष्ठ अपने भारतीय समकक्ष के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी आधिकारिक यात्रा समाप्त कर रविवार को स्वदेश लौटेंगे। नाबालिगों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अपराधों से निपटना बहुत जरूरी। सीजीआई ने नेपाल में नाबालिगों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अपराधों पर भी बात की। सीजीआई ने कहा, प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास के पृष्ठभूमि में नाबालिगों के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अपराधों से निपटना बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए किशोर न्याय प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को सहा करके सामंजस्य स्थापित करना होगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, किशोर न्याय पर चर्चा करते समय हमें कानूनी विवादों में उलझे बच्चों की कमजोरियों और उनकी अनूठी जरूरतों को पहचानना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी न्याय प्रणालियाँ समाज में सहानुभूति, पुनर्वास को बढ़ावा दे और पुनः एकीकरण के अवसरों के अनुकूल हो। उन्होंने कहा, किशोर न्याय की बहुमुखी प्रकृति और समाज के विभिन्न आयामों के साथ इसके अंतर संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से हो रहा है और किशोर हैकिंग, साइबर क्षेत्र में किसी पर दबाव डालना, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल उत्पीड़न जैसे साइबर अपराधों में शामिल हो रहे हैं।